आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला भिंडी फ्राई। उसके लिए मैंने लिया है भिंडी जो पूरा धो के अच्छे से सुखा लिया है, और अब भिंडी को हम काट लेंगे। इसको लंबा लंबा काटना है इस तरह से, और इसका बीच का जो है, जो बीच है वो भी हमें निकालने हैं ताकि भिंडी गीला ना रहे और क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी तरह से आ जाए इसमें। लंबा लंबा काट लिया है और उसके बीच का पूरा बीज भी है वो निकाल दिया हुआ है। इसको अब हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चलो फिर जाते हैं गैस की तरफ। हमने कढ़ाई चढ़ा लिया है और गैस ऑन कर लेंगे। कढ़ाई गर्म होने का वेट करेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब हम डालेंगे तेल। तेल गरम हो चुका है, अब हम डालेंगे सरसों, डालेंगे जीरा, इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन को अच्छे से फ्राई हो देना है। लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ भिंडी। भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। अब हम ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक को मिक्स करेंगे पहले अच्छे से। क्रिस्पी होना चालू है भिंडी। भिंडी अच्छा है, भिंडी अच्छे फ्राई हो गया है। अभी बीच में से तोड़ के देख तो दिए, फ्राई हो गया था। अब इसमें डालिए हल्दी, आधा लहसुन मसाला, थोड़ा सा टेस्ट चाहिए तो मसाला डाल सकते हैं। अच्छे से फ्राई करिए भिंडी के साथ। ये हमारा भिंडी फ्राई रेडी हो गया है। अब देख सकते हैं मस्त क्रिस्पी सा दिख रहा है। आपको भी अगर ये भिंडी मसाला को भी अगर भिंडी मसाला अच्छा लगा हो तो आप घर hmm.